हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम रामचरण की फिल्म गेम चेंज आने वाली है इसके बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम पैन इंडिया मूवी के रूप में बन रही गेम चेंज ने प्रशंसकों के बीच में बड़ी उम्मीदें पैदा की है, लेकिन अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा नहीं हुई है। रामचरण टॉलीवुड के नाम से मशहूर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के अहम अभिनेताओं में से एक है। तमिल में भी उनकी फिल्में जबरदस्त हिट हो रही है। महाथिरा से लेकर हाल ही में रिलीज हुई आरआर तक रामचरण की फिल्में तमिल में हिट रही है। इसी के चलते अब उनकी भूमिका में रिलीज होने वाली गेम चेंज से न सिर्फ तेलुगु बल्कि दक्षिण भारतीय प्रशंसकों में भी काफ़ी उम्मीदें जग गई है। इस फिल्म में रामचरण और किराया आडवाणी ने काम किया है। इस फिल्म का निर्देशक महानिदेशक शंकर ने किया है। फिल्म का निर्माण दिल राजू ने किया है। इस फिल्म के लिए एस थमन संगीत तैयार कर रहे हैं। ऐसे में यह गेम चेंज फिल्म बड़े पैमाने पर तैयार हो रही है। माना जा रहा है कि यह फिल्म एक राजनीतिक फिल्म होगी। यह भी खबर है कि गेम चेंज में रामचरण एक आईएएस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शंकर ने इस फिल्म का निर्देशक शानदार तरीके से किया है। बताया जाता है कि फिल्म में दिखाए गए केवल 5 गानों को 90 करोड़ की लागत से शूट की गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस गाने को भव्य पैमाने पर फिल्माया गया है। ऐसी खबर है कि संगीतकार थमन ने इतनी बड़ी लागत पर शूट की गई गाने के लिए संगीत तैयार किया है और इस फिल्म के लिए अपने जीवन काल के सर्वश्रेष्ठ धुनी का इस्तेमाल किया है। उम्मीद है कि फिल्म की शूटिंग का अगला चरण जल्द ही शुरू होगा और शूटिंग पूरी होने के बाद फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की जाएगी। गेम चेंज ने दक्षिण भारतीय प्रशंसकों के बीच भी उम्मीदें जगा दी है, भले ही शूटिंग अभी पूरी नहीं हुई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम रामचरण की फिल्म गेम चेंज आने वाली है इसके बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम पैन इंडिया मूवी के रूप में बन रही गेम चेंज ने प्रशंसकों के बीच में बड़ी उम्मीदें पैदा की है, लेकिन अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा नहीं हुई है। रामचरण टॉलीवुड के नाम से मशहूर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के अहम अभिनेताओं में से एक है। तमिल में भी उनकी फिल्में जबरदस्त हिट हो रही है। महाथिरा से लेकर हाल ही में रिलीज हुई आरआर तक रामचरण की फिल्में तमिल में हिट रही है। इसी के चलते अब उनकी भूमिका में रिलीज होने वाली गेम चेंज से न सिर्फ तेलुगु बल्कि दक्षिण भारतीय प्रशंसकों में भी काफ़ी उम्मीदें जग गई है। फिल्म में रामचरण और किराया आडवाणी ने काम किया है। इस फिल्म का निर्देशक महानिदेशक शंकर ने किया है। फिल्म का निर्माण दिल राजू ने किया है। इस फिल्म के लिए एस थमन संगीत तैयार कर रहे हैं। ऐसे में यह गेम चेंज फिल्म बड़े पैमाने पर तैयार हो रही है। माना जा रहा है कि यह फिल्म एक राजनीतिक फिल्म होगी। यह भी खबर है कि गेम चेंज में रामचरण एक आईएएस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शंकर ने इस फिल्म का निर्देशक शानदार तरीके से किया है। बताया जाता है कि फिल्म में दिखाए गए केवल 5 गानों को 90 करोड़ की लागत से शूट की गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस गाने को भव्य पैमाने पर फिल्माया गया है। ऐसी खबर है कि संगीतकार थमन ने इतनी बड़ी लागत पर शूट की गई गाने के लिए संगीत तैयार किया है और इस फिल्म के लिए अपने जीवन काल के सर्वश्रेष्ठ धुनी का इस्तेमाल किया है। उम्मीद है कि फिल्म की शूटिंग का अगला चरण जल्द ही शुरू होगा और शूटिंग पूरी होने के बाद फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की जाएगी। गेम चेंज ने दक्षिण भारतीय प्रशंसकों के बीच भी उम्मीदें जगा दी है, भले ही शूटिंग अभी पूरी नहीं हुई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम रामचरण की
फिल्म गेम चेंज आने वाली है इसके बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में हम। पैन इंडिया मूवी के रूप में बन रही गेम चेंज ने प्रशंसकों के बीच में बड़ी उम्मीदें पैदा की है, लेकिन अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा नहीं हुई है। रामचरण टॉलीवुड के नाम से मशहूर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के अहम अभिनेताओं में से एक है। तमिल में भी उनकी फिल्में जबरदस्त हिट हो रही है। महाथिरा से लेकर हाल ही में रिलीज हुई आरआर तक रामचरण की फिल्में तमिल में हिट रही है। इसी के चलते अब उनकी भूमिका में रिलीज होने वाली गेम चेंज से न सिर्फ तेलुगु बल्कि दक्षिण भारतीय प्रशंसकों में भी काफी उम्मीदें जग गई है। इस फिल्म में रामचरण और किराया आडवाणी ने काम किया है। इस फिल्म का निर्देशक महानिदेशक शंकर ने किया है। फिल्म का निर्माण दिल राजू ने किया है। इस फिल्म के लिए एस थमन संगीत तैयार कर रहे हैं। ऐसे में यह गेम चेंज फिल्म बड़े पैमाने पर तैयार हो रही है। माना जा रहा है कि यह फिल्म एक राजनीतिक फिल्म होगी। यह भी खबर है कि गेम चेंज में रामचरण एक आईएएस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शंकर ने इस फिल्म का निर्देशक शानदार तरीके से किया है। बताया जाता है कि फिल्म में दिखाए गए केवल 5 गानों को 90 करोड़ की लागत से शूट की गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस गाने को भव्य पैमाने पर फिल्माया गया है। ऐसी खबर है कि संगीतकार थमन ने इतनी बड़ी लागत पर शूट की गई गाने के लिए संगीत तैयार किया है और इस फिल्म के लिए अपने जीवन काल के सर्वश्रेष्ठ धुनी का इस्तेमाल किया है। उम्मीद है कि फिल्म की शूटिंग का अगला चरण जल्द ही शुरू होगा और शूटिंग पूरी होने के बाद फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की जाएगी। गेम चेंज ने दक्षिण भारतीय प्रशासकों के बीच भी उम्मीदें जगा दी है, भले ही शूटिंग अभी पूरी नहीं हुई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम रामचरण की फिल्म गेम चेंज आने वाली है इसके बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में हम। पैन इंडिया मूवी के रूप में बन रही गेम चेंज ने प्रशंसकों के बीच में बड़ी उम्मीदें पैदा की है, लेकिन अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा नहीं हुई है। रामचरण टॉलीवुड के नाम से मशहूर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के अहम अभिनेताओं में से एक है। तमिल में भी उनकी फिल्में जबरदस्त हिट हो रही है। महाथिरा से लेकर हाल ही में रिलीज हुई आरआर तक रामचरण की फिल्में तमिल में हिट रही है। इसी के चलते अब उनकी भूमिका में रिलीज होने वाली गेम चेंज से न सिर्फ तेलुगु बल्कि दक्षिण भारतीय प्रशंसकों में भी काफी उम्मीदें जग गई है। फिल्म में रामचरण और किराया आडवाणी ने काम किया है। इस फिल्म का निर्देशक महानिदेशक शंकर ने किया है। फिल्म का निर्माण दिल राजू ने किया है। इस फिल्म के लिए एस थमन संगीत तैयार कर रहे हैं। ऐसे में यह गेम चेंज फिल्म बड़े पैमाने पर तैयार हो रही है। माना जा रहा है कि यह फिल्म एक राजनीतिक फिल्म होगी। यह भी खबर है कि गेम चेंज में रामचरण एक आईएएस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शंकर ने इस फिल्म का निर्देशक शानदार तरीके से किया है। बताया जाता है कि फिल्म में दिखाए गए केवल 5 गानों को 90 करोड़ की लागत से शूट की गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस गाने को भव्य पैमाने पर फिल्माया गया है। ऐसी खबर है कि संगीतकार थमन ने इतनी बड़ी लागत पर शूट की गई गाने के लिए संगीत तैयार किया है और इस फिल्म के लिए अपने जीवन काल के सर्वश्रेष्ठ धुनी का इस्तेमाल किया है। उम्मीद है कि फिल्म की शूटिंग का अगला चरण जल्द ही शुरू होगा और शूटिंग पूरी होने के बाद फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की जाएगी। गेम चेंज ने दक्षिण भारतीय प्रशासकों के बीच भी उम्मीदें जगा दी है, भले ही शूटिंग अभी पूरी नहीं हुई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम रामचरण की फिल्म गेम चेंज आने वाली है इसके बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में हम।
पेन इंडिया मूवी के रूप में बन रही गेम चेंज ने प्रशंसकों के बीच में बड़ी उम्मीदें पैदा की है, लेकिन अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा नहीं हुई है। रामचरण टॉलीवुड के नाम से मशहूर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के अहम अभिनेताओं में से एक है। तमिल में भी उनकी फिल्में जबरदस्त हिट हो रही है। महाथिरा से लेकर हाल ही में रिलीज हुई आरआर तक रामचरण की फिल्में तमिल में हिट रही है। इसी के चलते अब उनकी भूमिका में रिलीज होने वाली गेम चेंज से न सिर्फ तेलुगु बल्कि दक्षिण भारतीय प्रशंसकों में भी काफी उम्मीदें जग गई है। फिल्म में रामचरण और किराया आडवाणी ने काम किया है। इस फिल्म का निर्देशक महानिदेशक शंकर ने किया है। फिल्म का निर्माण दिल राजू ने किया है। इस फिल्म के लिए एस थमन संगीत तैयार कर रहे हैं। ऐसे में यह गेम चेंज फिल्म बड़े पैमाने पर तैयार हो रही है। माना जा रहा है कि यह फिल्म एक राजनीतिक फिल्म होगी। यह भी खबर है कि गेम चेंज में रामचरण एक आईएएस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शंकर ने इस फिल्म का निर्देशक शानदार तरीके से किया है। बताया जाता है कि फिल्म में दिखाए गए केवल 5 गानों को 90 करोड़ की लागत से शूट की गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस गाने को भव्य पैमाने पर फिल्माया गया है। ऐसी खबर है कि संगीतकार थमन ने इतनी बड़ी लागत पर शूट की गई गाने के लिए संगीत तैयार किया है और इस फिल्म के लिए अपने जीवन काल के सर्वश्रेष्ठ धुनी का इस्तेमाल किया है। उम्मीद है कि फिल्म की शूटिंग का अगला चरण जल्द ही शुरू होगा और शूटिंग पूरी होने के बाद फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की जाएगी। गेम चेंज ने दक्षिण भारतीय प्रशासकों के बीच भी उम्मीदें जगा दी है, भले ही शूटिंग अभी पूरी नहीं हुई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम रामचरण की फिल्म गेम चेंज आने वाली है इसके बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम पेन इंडिया मूवी के रूप में बन रही गेम चेंज ने प्रशंसकों के बीच में बड़ी उम्मीदें पैदा की है, लेकिन अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा नहीं हुई है। रामचरण टॉलीवुड के नाम से मशहूर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के अहम अभिनेताओं में से एक है। तमिल में भी उनकी फिल्में जबरदस्त हिट हो रही है। महाथिरा से लेकर हाल ही में रिलीज हुई आरआर तक रामचरण की फिल्में तमिल में हिट रही है। इसी के चलते अब उनकी भूमिका में रिलीज होने वाली गेम चेंज से न सिर्फ तेलुगु बल्कि दक्षिण भारतीय प्रशंसकों में भी काफी उम्मीदें जग गई है। फिल्म में रामचरण और किराया आडवाणी ने काम किया है। इस फिल्म का निर्देशक महानिदेशक शंकर ने किया है। फिल्म का निर्माण दिल राजू ने किया है। इस फिल्म के लिए एस थमन संगीत तैयार कर रहे हैं। ऐसे में यह गेम चेंज फिल्म बड़े पैमाने पर तैयार हो रही है। माना जा रहा है कि यह फिल्म एक राजनीतिक फिल्म होगी। यह भी खबर है कि गेम चेंज में रामचरण एक आईएएस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शंकर ने इस फिल्म का निर्देशक शानदार तरीके से किया है। बताया जाता है कि फिल्म में दिखाए गए केवल 5 गानों को 90 करोड़ की लागत से शूट की गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस गाने को भव्य पैमाने पर फिल्माया गया है। ऐसी खबर है कि संगीतकार थमन ने इतनी बड़ी लागत पर शूट की गई गाने के लिए संगीत तैयार किया है और इस फिल्म के लिए अपने जीवन काल के सर्वश्रेष्ठ धुनी का इस्तेमाल किया है। उम्मीद है कि फिल्म की शूटिंग का अगला चरण जल्द ही शुरू होगा और शूटिंग पूरी होने के बाद फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की जाएगी। गेम चेंज ने दक्षिण भारतीय प्रशासकों के बीच भी उम्मीदें जगा दी है, भले ही शूटिंग अभी पूरी नहीं हुई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम रामचरण की फिल्म गेम चेंज आने वाली है इसके बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम पेन इंडिया मूवी के रूप में बन रही गेम चेंज ने प्रशंसकों के बीच में बड़ी उम्मीदें पैदा की है,
लेकिन अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा नहीं हुई है। रामचरण टॉलीवुड के नाम से मशहूर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के अहम अभिनेताओं में से एक है। तमिल में भी उनकी फिल्में जबरदस्त हिट हो रही है। महाथिरा से लेकर हाल ही में रिलीज हुई आरआर तक रामचरण की फिल्में तमिल में हिट रही है। इसी के चलते अब उनकी भूमिका में रिलीज होने वाली गेम चेंज से न सिर्फ तेलुगु बल्कि दक्षिण भारतीय प्रशंसकों में भी काफी उम्मीदें जग गई है। इस फिल्म में रामचरण और किराया आडवाणी ने काम किया है। इस फिल्म का निर्देशक महानिदेशक शंकर ने किया है। फिल्म का निर्माण दिल राजू ने किया है। इस फिल्म के लिए एस थमन संगीत तैयार कर रहे हैं। ऐसे में यह गेम चेंज फिल्म बड़े पैमाने पर तैयार हो रही है। माना जा रहा है कि यह फिल्म एक राजनीतिक फिल्म होगी। यह भी खबर है कि गेम चेंज में रामचरण एक आईएएस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शंकर ने इस फिल्म का निर्देशक शानदार तरीके से किया है। बताया जाता है कि फिल्म में दिखाए गए केवल 5 गानों को 90 करोड़ की लागत से शूट की गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस गाने को भव्य पैमाने पर फिल्माया गया है। ऐसी खबर है कि संगीतकार थमन ने इतनी बड़ी लागत पर शूट की गई गाने के लिए संगीत तैयार किया है और इस फिल्म के लिए अपने जीवन काल के सर्वश्रेष्ठ धुनी का इस्तेमाल किया है। उम्मीद है कि फिल्म की शूटिंग का अगला चरण जल्द ही शुरू होगा और शूटिंग पूरी होने के बाद फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की जाएगी। गेम चेंज ने दक्षिण भारतीय प्रशासकों के बीच भी उम्मीदें जगा दी है, भले ही शूटिंग अभी पूरी नहीं हुई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम रामचरण की फिल्म गेम चेंज आने वाली है इसके बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम पैन इंडिया मूवी के रूप में बन रही गेम चेंज ने प्रशंसकों के बीच में बड़ी उम्मीदें पैदा की है, लेकिन अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा नहीं हुई है। रामचरण टॉलीवुड के नाम से मशहूर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के अहम अभिनेताओं में से एक है। तमिल में भी उनकी फिल्में जबरदस्त हिट हो रही है। महाथिरा से लेकर हाल ही में रिलीज हुई आरआर तक रामचरण की फिल्में तमिल में हिट रही है। इसी के चलते अब उनकी भूमिका में रिलीज होने वाली गेम चेंज से न सिर्फ तेलुगु बल्कि दक्षिण भारतीय प्रशंसकों में भी काफी उम्मीदें जग गई है। फिल्म में रामचरण और किराया आडवाणी ने काम किया है। इस फिल्म का निर्देशक महानिदेशक शंकर ने किया है। फिल्म का निर्माण दिल राजू ने किया है। इस फिल्म के लिए एस थमन संगीत तैयार कर रहे हैं। ऐसे में यह गेम चेंज फिल्म बड़े पैमाने पर तैयार हो रही है। माना जा रहा है कि यह फिल्म एक राजनीतिक फिल्म होगी। यह भी खबर है कि गेम चेंज में रामचरण एक आईएएस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शंकर ने इस फिल्म का निर्देशक शानदार तरीके से किया है। बताया जाता है कि फिल्म में दिखाए गए केवल 5 गानों को 90 करोड़ की लागत से शूट की गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस गाने को भव्य पैमाने पर फिल्माया गया है। ऐसी खबर है कि संगीतकार थमन ने इतनी बड़ी लागत पर शूट की गई गाने के लिए संगीत तैयार किया है और इस फिल्म के लिए अपने जीवन काल के सर्वश्रेष्ठ धुनी का इस्तेमाल किया है। उम्मीद है कि फिल्म की शूटिंग का अगला चरण जल्द ही शुरू होगा और शूटिंग पूरी होने के बाद फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की जाएगी। गेम चेंज ने दक्षिण भारतीय प्रशासकों के बीच भी उम्मीदें जगा दी है, भले ही शूटिंग अभी पूरी नहीं हुई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम रामचरण की फिल्म गेम चेंज आने वाली है इसके बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम पैन इंडिया मूवी के रूप में बन रही गेम चेंज ने प्रशंसकों के बीच में बड़ी उम्मीदें पैदा की है, लेकिन अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा नहीं हुई है। रामचरण टॉलीवुड के नाम से
मशहूर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के अहम अभिनेताओं में से एक है। तमिल में भी उनकी फिल्में जबरदस्त हिट हो रही है। महाथिरा से लेकर हाल ही में रिलीज हुई आर आर तक रामचरण की फिल्में तमिल में हिट रही है। इसी के चलते अब उनकी भूमिका में रिलीज होने वाली गेम चेंज से न सिर्फ तेलुगु बल्कि दक्षिण भारतीय प्रशंसकों में भी काफी उम्मीदें जग गई है। फिल्म में रामचरण और किराया आडवाणी ने काम किया है। इस फिल्म का निर्देशक महानिदेशक शंकर ने किया है। फिल्म का निर्माण दिल राजू ने किया है। इस फिल्म के लिए एस थमन संगीत तैयार कर रहे हैं। ऐसे में यह गेम चेंज फिल्म बड़े पैमाने पर तैयार हो रही है। माना जा रहा है कि यह फिल्म एक राजनीतिक फिल्म होगी। यह भी खबर है कि गेम चेंज में रामचरण एक आईएएस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शंकर ने इस फिल्म का निर्देशक शानदार तरीके से किया है। बताया जाता है कि फिल्म में दिखाए गए केवल 5 गानों को 90 करोड़ की लागत से शूट की गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस गाने को भव्य पैमाने पर फिल्माया गया है। ऐसी खबर है कि संगीतकार थमन ने इतनी बड़ी लागत पर शूट की गई गाने के लिए संगीत तैयार किया है और इस फिल्म के लिए अपने जीवन काल के सर्वश्रेष्ठ धुनी का इस्तेमाल किया है। उम्मीद है कि फिल्म की शूटिंग का अगला चरण जल्द ही शुरू होगा और शूटिंग पूरी होने के बाद फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की जाएगी। गेम चेंज ने दक्षिण भारतीय प्रशासकों के बीच भी उम्मीदें जगा दी है, भले ही शूटिंग अभी पूरी नहीं हुई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम रामचरण की फिल्म गेम चेंज आने वाली है इसके बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम पैन इंडिया मूवी के रूप में बन रही गेम चेंज ने प्रशंसकों के बीच में बड़ी उम्मीदें पैदा की है, लेकिन अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा नहीं हुई है। रामचरण टॉलीवुड के नाम से मशहूर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के अहम अभिनेताओं में से एक है। तमिल में भी उनकी फिल्में जबरदस्त हिट हो रही है। महाथिरा से लेकर हाल ही में रिलीज हुई आर आर तक रामचरण की फिल्में तमिल में हिट रही है। इसी के चलते अब उनकी भूमिका में रिलीज होने वाली गेम चेंज से न सिर्फ तेलुगु बल्कि दक्षिण भारतीय प्रशंसकों में भी काफी उम्मीदें जग गई है। फिल्म में रामचरण और किराया आडवाणी ने काम किया है। इस फिल्म का निर्देशक महानिदेशक शंकर ने किया है। फिल्म का निर्माण दिल राजू ने किया है। इस फिल्म के लिए एस थमन संगीत तैयार कर रहे हैं। ऐसे में यह गेम चेंज फिल्म बड़े पैमाने पर तैयार हो रही है। माना जा रहा है कि यह फिल्म एक राजनीतिक फिल्म होगी। यह भी खबर है कि गेम चेंज में रामचरण एक आईएएस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शंकर ने इस फिल्म का निर्देशक शानदार तरीके से किया है। बताया जाता है कि फिल्म में दिखाए गए केवल 5 गानों को 90 करोड़ की लागत से शूट की गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस गाने को भव्य पैमाने पर फिल्माया गया है। ऐसी खबर है कि संगीतकार थमन ने इतनी बड़ी लागत पर शूट की गई गाने के लिए संगीत तैयार किया है और इस फिल्म के लिए अपने जीवन काल के सर्वश्रेष्ठ धुनी का इस्तेमाल किया है। उम्मीद है कि फिल्म की शूटिंग का अगला चरण जल्द ही शुरू होगा और शूटिंग पूरी होने के बाद फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की जाएगी। गेम चेंज ने दक्षिण भारतीय प्रशासकों के बीच भी उम्मीदें जगा दी है, भले ही शूटिंग अभी पूरी नहीं हुई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम रामचरण की फिल्म गेम चेंज आने वाली है इसके बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम पैन इंडिया मूवी के रूप में बन रही गेम चेंज ने प्रशंसकों के बीच में बड़ी उम्मीदें पैदा की है, लेकिन अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा नहीं हुई है। रामचरण टॉलीवुड के नाम से मशहूर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के अहम अभिनेताओं में से एक है। तमिल में भी उनकी फिल्में जबरदस्त हिट हो रही है।
महाथिरा से लेकर हाल ही में रिलीज हुई आरआर तक रामचरण की फिल्में तमिल में हिट रही है। इसी के चलते अब उनकी भूमिका में रिलीज होने वाली गेम चेंज से न सिर्फ तेलुगु बल्कि दक्षिण भारतीय प्रशंसकों में भी काफी उम्मीदें जग गई है। फिल्म में रामचरण और किराया आडवाणी ने काम किया है। इस फिल्म का निर्देशक महानिदेशक शंकर ने किया है। फिल्म का निर्माण दिल राजू ने किया है। इस फिल्म के लिए एस थमन संगीत तैयार कर रहे हैं। ऐसे में यह गेम चेंज फिल्म बड़े पैमाने पर तैयार हो रही है। माना जा रहा है कि यह फिल्म एक राजनीतिक फिल्म होगी। यह भी खबर है कि गेम चेंज में रामचरण एक आईएएस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शंकर ने इस फिल्म का निर्देशक शानदार तरीके से किया है। बताया जाता है कि फिल्म में दिखाए गए केवल 5 गानों को 90 करोड़ की लागत से शूट की गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस गाने को भव्य पैमाने पर फिल्माया गया है। ऐसी खबर है कि संगीतकार थमन ने इतनी बड़ी लागत पर शूट की गई गाने के लिए संगीत तैयार किया है और इस फिल्म के लिए अपने जीवन काल के सर्वश्रेष्ठ धुनी का इस्तेमाल किया है। उम्मीद है कि फिल्म की शूटिंग का अगला चरण जल्द ही शुरू होगा और शूटिंग पूरी होने के बाद फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की जाएगी। गेम चेंज ने दक्षिण भारतीय प्रशासकों के बीच भी उम्मीदें जगा दी है, भले ही शूटिंग अभी पूरी नहीं हुई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम रामचरण की फिल्म गेम चेंज आने वाली है इसके बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम पैन इंडिया मूवी के रूप में बन रही गेम चेंज ने प्रशंसकों के बीच में बड़ी उम्मीदें पैदा की है, लेकिन अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा नहीं हुई है। रामचरण टॉलीवुड के नाम से मशहूर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के अहम अभिनेताओं में से एक है। तमिल में भी उनकी फिल्में जबरदस्त हिट हो रही है। महाथिरा से लेकर हाल ही में रिलीज हुई आरआर तक रामचरण की फिल्में तमिल में हिट रही है। इसी के चलते अब उनकी भूमिका में रिलीज होने वाली गेम चेंज से न सिर्फ तेलुगु बल्कि दक्षिण भारतीय प्रशंसकों में भी काफी उम्मीदें जग गई है। फिल्म में रामचरण और किराया आडवाणी ने काम किया है। इस फिल्म का निर्देशक महानिदेशक शंकर ने किया है। फिल्म का निर्माण दिल राजू ने किया है। इस फिल्म के लिए एस थमन संगीत तैयार कर रहे हैं। ऐसे में यह गेम चेंज फिल्म बड़े पैमाने पर तैयार हो रही है। माना जा रहा है कि यह फिल्म एक राजनीतिक फिल्म होगी। यह भी खबर है कि गेम चेंज में रामचरण एक आईएएस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शंकर ने इस फिल्म का निर्देशक शानदार तरीके से किया है। बताया जाता है कि फिल्म में दिखाए गए केवल 5 गानों को 90 करोड़ की लागत से शूट की गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस गाने को भव्य पैमाने पर फिल्माया गया है। ऐसी खबर है कि संगीतकार थमन ने इतनी बड़ी लागत पर शूट की गई गाने के लिए संगीत तैयार किया है और इस फिल्म के लिए अपने जीवन काल के सर्वश्रेष्ठ धुनी का इस्तेमाल किया है। उम्मीद है कि फिल्म की शूटिंग का अगला चरण जल्द ही शुरू होगा और शूटिंग पूरी होने के बाद फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की जाएगी। गेम चेंज ने दक्षिण भारतीय प्रशासकों के बीच भी उम्मीदें जगा दी है, भले ही शूटिंग अभी पूरी नहीं हुई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम रामचरण की फिल्म गेम चेंज आने वाली है इसके बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम पैन इंडिया मूवी के रूप में बन रही गेम चेंज ने प्रशंसकों के बीच में बड़ी उम्मीदें पैदा की है, लेकिन अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा नहीं हुई है। रामचरण टॉलीवुड के नाम से मशहूर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के अहम अभिनेताओं में से एक है। तमिल में भी उनकी फिल्में जबरदस्त हिट हो रही है। महाथिरा से लेकर हाल ही में रिलीज हुई आरआर तक रामचरण की फिल्में
तमिल में हिट रही है। इसी के चलते अब उनकी भूमिका में रिलीज होने वाली गेम चेंज से न सिर्फ तेलुगु बल्कि दक्षिण भारतीय प्रशंसकों में भी काफी उम्मीदें जग गई है। फिल्म में रामचरण और किराया आडवाणी ने काम किया है। इस फिल्म का निर्देशक महानिदेशक शंकर ने किया है। फिल्म का निर्माण दिल राजू ने किया है। इस फिल्म के लिए एस थमन संगीत तैयार कर रहे हैं। ऐसे में यह गेम चेंज फिल्म बड़े पैमाने पर तैयार हो रही है। माना जा रहा है कि यह फिल्म एक राजनीतिक फिल्म होगी। यह भी खबर है कि गेम चेंज में रामचरण एक आईएएस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शंकर ने इस फिल्म का निर्देशक शानदार तरीके से किया है। बताया जाता है कि फिल्म में दिखाए गए केवल 5 गानों को 90 करोड़ की लागत से शूट की गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस गाने को भव्य पैमाने पर फिल्माया गया है। ऐसी खबर है कि संगीतकार थमन ने इतनी बड़ी लागत पर शूट की गई गाने के लिए संगीत तैयार किया है और इस फिल्म के लिए अपने जीवन काल के सर्वश्रेष्ठ धुनी का इस्तेमाल किया है। उम्मीद है कि फिल्म की शूटिंग का अगला चरण जल्द ही शुरू होगा और शूटिंग पूरी होने के बाद फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की जाएगी। गेम चेंज ने दक्षिण भारतीय प्रशासकों के बीच भी उम्मीदें जगा दी है, भले ही शूटिंग अभी पूरी नहीं हुई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम रामचरण की फिल्म गेम चेंज आने वाली है इसके बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम पैन इंडिया मूवी के रूप में बन रही गेम चेंज ने प्रशंसकों के बीच में बड़ी उम्मीदें पैदा की है, लेकिन अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा नहीं हुई है। रामचरण टॉलीवुड के नाम से मशहूर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के अहम अभिनेताओं में से एक है। तमिल में भी उनकी फिल्में जबरदस्त हिट हो रही है। महाथिरा से लेकर हाल ही में रिलीज हुई आरआर तक रामचरण की फिल्में तमिल में हिट रही है। इसी के चलते अब उनकी भूमिका में रिलीज होने वाली गेम चेंज से न सिर्फ तेलुगु बल्कि दक्षिण भारतीय प्रशंसकों में भी काफी उम्मीदें जग गई है। फिल्म में रामचरण और किराया आडवाणी ने काम किया है। इस फिल्म का निर्देशक महानिदेशक शंकर ने किया है। फिल्म का निर्माण दिल राजू ने किया है। इस फिल्म के लिए एस थमन संगीत तैयार कर रहे हैं। ऐसे में यह गेम चेंज फिल्म बड़े पैमाने पर तैयार हो रही है। माना जा रहा है कि यह फिल्म एक राजनीतिक फिल्म होगी। यह भी खबर है कि गेम चेंज में रामचरण एक आईएएस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शंकर ने इस फिल्म का निर्देशक शानदार तरीके से किया है। बताया जाता है कि फिल्म में दिखाए गए केवल 5 गानों को 90 करोड़ की लागत से शूट की गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस गाने को भव्य पैमाने पर फिल्माया गया है। ऐसी खबर है कि संगीतकार थमन ने इतनी बड़ी लागत पर शूट की गई गाने के लिए संगीत तैयार किया है और इस फिल्म के लिए अपने जीवन काल के सर्वश्रेष्ठ धुनी का इस्तेमाल किया है। उम्मीद है कि फिल्म की शूटिंग का अगला चरण जल्द ही शुरू होगा और शूटिंग पूरी होने के बाद फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की जाएगी। गेम चेंज ने दक्षिण भारतीय प्रशासकों के बीच भी उम्मीदें जगा दी है, भले ही शूटिंग अभी पूरी नहीं हुई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम रामचरण की फिल्म गेम चेंज आने वाली है इसके बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम पैन इंडिया मूवी के रूप में बन रही गेम चेंज ने प्रशंसकों के बीच में बड़ी उम्मीदें पैदा की है, लेकिन अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा नहीं हुई है। रामचरण टॉलीवुड के नाम से मशहूर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के अहम अभिनेताओं में से एक है। तमिल में भी उनकी फिल्में जबरदस्त हिट हो रही है। महाथिरा से लेकर हाल ही में रिलीज हुई आरआर तक रामचरण की फिल्में तमिल में हिट रही है। इसी के चलते अब उनकी भूमिका में रिलीज होने वाली गेम चेंज से
न सिर्फ तेलुगु बल्कि दक्षिण भारतीय प्रशंसकों में भी काफी उम्मीदें जग गई है। फिल्म में रामचरण और किराया आडवाणी ने काम किया है। इस फिल्म का निर्देशक महानिदेशक शंकर ने किया है। फिल्म का निर्माण दिल राजू ने किया है। इस फिल्म के लिए एस थमन संगीत तैयार कर रहे हैं। ऐसे में यह गेम चेंज फिल्म बड़े पैमाने पर तैयार हो रही है। माना जा रहा है कि यह फिल्म एक राजनीतिक फिल्म होगी। यह भी खबर है कि गेम चेंज में रामचरण एक आईएएस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शंकर ने इस फिल्म का निर्देशक शानदार तरीके से किया है। बताया जाता है कि फिल्म में दिखाए गए केवल 5 गानों को 90 करोड़ की लागत से शूट की गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस गाने को भव्य पैमाने पर फिल्माया गया है। ऐसी खबर है कि संगीतकार थमन ने इतनी बड़ी लागत पर शूट की गई गाने के लिए संगीत तैयार किया है और इस फिल्म के लिए अपने जीवन काल के सर्वश्रेष्ठ धुनी का इस्तेमाल किया है। उम्मीद है कि फिल्म की शूटिंग का अगला चरण जल्द ही शुरू होगा और शूटिंग पूरी होने के बाद फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की जाएगी। गेम चेंज ने दक्षिण भारतीय प्रशासकों के बीच भी उम्मीदें जगा दी है, भले ही शूटिंग अभी पूरी नहीं हुई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम रामचरण की फिल्म गेम चेंज आने वाली है इसके बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम पैन इंडिया मूवी के रूप में बन रही गेम चेंज ने प्रशंसकों के बीच में बड़ी उम्मीदें पैदा की है, लेकिन अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा नहीं हुई है। रामचरण टॉलीवुड के नाम से मशहूर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के अहम अभिनेताओं में से एक है। तमिल में भी उनकी फिल्में जबरदस्त हिट हो रही है। महाथिरा से लेकर हाल ही में रिलीज हुई आरआर तक रामचरण की फिल्में तमिल में हिट रही है। इसी के चलते अब उनकी भूमिका में रिलीज होने वाली गेम चेंज से न सिर्फ तेलुगु बल्कि दक्षिण भारतीय प्रशंसकों में भी काफी उम्मीदें जग गई है। फिल्म में रामचरण और किराया आडवाणी ने काम किया है। इस फिल्म का निर्देशक महानिदेशक शंकर ने किया है। फिल्म का निर्माण दिल राजू ने किया है। इस फिल्म के लिए एस थमन संगीत तैयार कर रहे हैं। ऐसे में यह गेम चेंज फिल्म बड़े पैमाने पर तैयार हो रही है। माना जा रहा है कि यह फिल्म एक राजनीतिक फिल्म होगी। यह भी खबर है कि गेम चेंज में रामचरण एक आईएएस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शंकर ने इस फिल्म का निर्देशक शानदार तरीके से किया है। बताया जाता है कि फिल्म में दिखाए गए केवल 5 गानों को 90 करोड़ की लागत से शूट की गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस गाने को भव्य पैमाने पर फिल्माया गया है। ऐसी खबर है कि संगीतकार थमन ने इतनी बड़ी लागत पर शूट की गई गाने के लिए संगीत तैयार किया है और इस फिल्म के लिए अपने जीवन काल के सर्वश्रेष्ठ धुनी का इस्तेमाल किया है। उम्मीद है कि फिल्म की शूटिंग का अगला चरण जल्द ही शुरू होगा और शूटिंग पूरी होने के बाद फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की जाएगी। गेम चेंज ने दक्षिण भारतीय प्रशासकों के बीच भी उम्मीदें जगा दी है, भले ही शूटिंग अभी पूरी नहीं हुई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम रामचरण की फिल्म गेम चेंज आने वाली है इसके बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम पैन इंडिया मूवी के रूप में बन रही गेम चेंज ने प्रशंसकों के बीच में बड़ी उम्मीदें पैदा की है, लेकिन अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा नहीं हुई है। रामचरण टॉलीवुड के नाम से मशहूर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के अहम अभिनेताओं में से एक है। तमिल में भी उनकी फिल्में जबरदस्त हिट हो रही है। महाथिरा से लेकर हाल ही में रिलीज हुई आरआर तक रामचरण की फिल्में तमिल में हिट रही है। इसी के चलते अब उनकी भूमिका में रिलीज होने वाली गेम चेंज से न सिर्फ तेलुगु बल्कि दक्षिण भारतीय प्रशंसकों में भी काफी उम्मीदें जग गई है।
फिल्म में रामचरण और किराया आडवाणी ने काम किया है। इस फिल्म का निर्देशक महानिदेशक शंकर ने किया है। फिल्म का निर्माण दिल राजू ने किया है। इस फिल्म के लिए एस थमन संगीत तैयार कर रहे हैं। ऐसे में यह गेम चेंज फिल्म बड़े पैमाने पर तैयार हो रही है। माना जा रहा है कि यह फिल्म एक राजनीतिक फिल्म होगी। यह भी खबर है कि गेम चेंज में रामचरण एक आईएएस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शंकर ने इस फिल्म का निर्देशक शानदार तरीके से किया है। बताया जाता है कि फिल्म में दिखाए गए केवल 5 गानों को 90 करोड़ की लागत से शूट की गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस गाने को भव्य पैमाने पर फिल्माया गया है। ऐसी खबर है कि संगीतकार थमन ने इतनी बड़ी लागत पर शूट की गई गाने के लिए संगीत तैयार किया है और इस फिल्म के लिए अपने जीवन काल के सर्वश्रेष्ठ धुनी का इस्तेमाल किया है। उम्मीद है कि फिल्म की शूटिंग का अगला चरण जल्द ही शुरू होगा और शूटिंग पूरी होने के बाद फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की जाएगी। गेम चेंज ने दक्षिण भारतीय प्रशासकों के बीच भी उम्मीदें जगा दी है, भले ही शूटिंग अभी पूरी नहीं हुई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम रामचरण की फिल्म गेम चेंज आने वाली है इसके बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम पैन इंडिया मूवी के रूप में बन रही गेम चेंज ने प्रशंसकों के बीच में बड़ी उम्मीदें पैदा की है, लेकिन अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा नहीं हुई है। रामचरण टॉलीवुड के नाम से मशहूर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के अहम अभिनेताओं में से एक है। तमिल में भी उनकी फिल्में जबरदस्त हिट हो रही है। महाथिरा से लेकर हाल ही में रिलीज हुई आरआर तक रामचरण की फिल्में तमिल में हिट रही है। इसी के चलते अब उनकी भूमिका में रिलीज होने वाली गेम चेंज से न सिर्फ तेलुगु बल्कि दक्षिण भारतीय प्रशंसकों में भी काफी उम्मीदें जग गई है। फिल्म में रामचरण और किराया आडवाणी ने काम किया है। इस फिल्म का निर्देशक महानिदेशक शंकर ने किया है। फिल्म का निर्माण दिल राजू ने किया है। इस फिल्म के लिए एस थमन संगीत तैयार कर रहे हैं। ऐसे में यह गेम चेंज फिल्म बड़े पैमाने पर तैयार हो रही है। माना जा रहा है कि यह फिल्म एक राजनीतिक फिल्म होगी। यह भी खबर है कि गेम चेंज में रामचरण एक आईएएस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शंकर ने इस फिल्म का निर्देशक शानदार तरीके से किया है। बताया जाता है कि फिल्म में दिखाए गए केवल 5 गानों को 90 करोड़ की लागत से शूट की गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस गाने को भव्य पैमाने पर फिल्माया गया है। ऐसी खबर है कि संगीतकार थमन ने इतनी बड़ी लागत पर शूट की गई गाने के लिए संगीत तैयार किया है और इस फिल्म के लिए अपने जीवन काल के सर्वश्रेष्ठ धुनी का इस्तेमाल किया है। उम्मीद है कि फिल्म की शूटिंग का अगला चरण जल्द ही शुरू होगा और शूटिंग पूरी होने के बाद फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की जाएगी। गेम चेंज ने दक्षिण भारतीय प्रशासकों के बीच भी उम्मीदें जगा दी है, भले ही शूटिंग अभी पूरी नहीं हुई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम रामचरण की फिल्म गेम चेंज आने वाली है इसके बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम पैन इंडिया मूवी के रूप में बन रही गेम चेंज ने प्रशंसकों के बीच में बड़ी उम्मीदें पैदा की है, लेकिन अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा नहीं हुई है। रामचरण टॉलीवुड के नाम से मशहूर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के अहम अभिनेताओं में से एक है। तमिल में भी उनकी फिल्में जबरदस्त हिट हो रही है। महाथिरा से लेकर हाल ही में रिलीज हुई आरआर तक रामचरण की फिल्में तमिल में हिट रही है। इसी के चलते अब उनकी भूमिका में रिलीज होने वाली गेम चेंज से न सिर्फ तेलुगु बल्कि दक्षिण भारतीय प्रशंसकों में भी काफी उम्मीदें जग गई है। फिल्म में रामचरण और किराया आडवाणी ने काम किया है। इस फिल्म का निर्देशक महानिदेशक शंकर ने किया है।
फिल्म का निर्माण दिल राजू ने किया है। इस फिल्म के लिए एस थमन संगीत तैयार कर रहे हैं। ऐसे में यह गेम चेंज फिल्म बड़े पैमाने पर तैयार हो रही है। माना जा रहा है कि यह फिल्म एक राजनीतिक फिल्म होगी। यह भी खबर है कि गेम चेंज में रामचरण एक IAS अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शंकर ने इस फिल्म का निर्देशन शानदार तरीके से किया है। बताया जाता है कि फिल्म में दिखाए गए केवल 5 गानों को 90 करोड़ की लागत से शूट की गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस गाने को भव्य पैमाने पर फिल्माया गया है। ऐसी खबर है कि संगीतकार थमन ने इतनी बड़ी लागत पर शूट की गई गाने के लिए संगीत तैयार किया है और इस फिल्म के लिए अपने जीवन काल के सर्वश्रेष्ठ धुनी का इस्तेमाल किया है। उम्मीद है कि फिल्म की शूटिंग का अगला चरण जल्द ही शुरू होगा और शूटिंग पूरी होने के बाद फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की जाएगी। गेम चेंज ने दक्षिण भारतीय प्रशासकों के बीच भी उम्मीदें जगा दी है, भले ही शूटिंग अभी पूरी नहीं हुई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम रामचरण की फिल्म गेम चेंज आने वाली है इसके बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम पैन इंडिया मूवी के रूप में बन रही गेम चेंज ने प्रशंसकों के बीच में बड़ी उम्मीदें पैदा की है, लेकिन अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा नहीं हुई है। रामचरण टॉलीवुड के नाम से मशहूर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के अहम अभिनेताओं में से एक है। तमिल में भी उनकी फिल्में जबरदस्त हिट हो रही है। महाथिरा से लेकर हाल ही में रिलीज हुई RR तक रामचरण की फिल्में तमिल में हिट रही है। इसी के चलते अब उनकी भूमिका में रिलीज होने वाली गेम चेंज से न सिर्फ तेलुगु बल्कि दक्षिण भारतीय प्रशंसकों में भी काफ़ी उम्मीदें जग गई है। फिल्म में रामचरण और किराया आडवाणी ने काम किया है। इस फिल्म का निर्देशक महानिर्देशक शंकर ने किया है। फिल्म का निर्माण दिल राजू ने किया है। इस फिल्म के लिए एस थमन संगीत तैयार कर रहे हैं। ऐसे में यह गेम चेंज फिल्म बड़े पैमाने पर तैयार हो रही है। माना जा रहा है कि यह फिल्म एक राजनीतिक फिल्म होगी। यह भी खबर है कि गेम चेंज में रामचरण एक IAS अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शंकर ने इस फिल्म का निर्देशन शानदार तरीके से किया है। बताया जाता है कि फिल्म में दिखाए गए केवल 5 गानों को 90 करोड़ की लागत से शूट की गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस गाने को भव्य पैमाने पर फिल्माया गया है। ऐसी खबर है कि संगीतकार थमन ने इतनी बड़ी लागत पर शूट की गई गाने के लिए संगीत तैयार किया है और इस फिल्म के लिए अपने जीवन काल के सर्वश्रेष्ठ धुनी का इस्तेमाल किया है। उम्मीद है कि फिल्म की शूटिंग का अगला चरण जल्द ही शुरू होगा और शूटिंग पूरी होने के बाद फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की जाएगी। गेम चेंज ने दक्षिण भारतीय प्रशासकों के बीच भी उम्मीदें जगा दी है, भले ही शूटिंग अभी पूरी नहीं हुई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम रामचरण की फिल्म गेम चेंज आने वाली है इसके बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम पैन इंडिया मूवी के रूप में बन रही गेम चेंज ने प्रशंसकों के बीच में बड़ी उम्मीदें पैदा की है, लेकिन अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा नहीं हुई है। रामचरण टॉलीवुड के नाम से मशहूर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के अहम अभिनेताओं में से एक है। तमिल में भी उनकी फिल्में जबरदस्त हिट हो रही है। महाथिरा से लेकर हाल ही में रिलीज हुई RR तक रामचरण की फिल्में तमिल में हिट रही है। इसी के चलते अब उनकी भूमिका में रिलीज होने वाली गेम चेंज से न सिर्फ तेलुगु बल्कि दक्षिण भारतीय प्रशंसकों में भी काफ़ी उम्मीदें जग गई है। फिल्म में रामचरण और किराया आडवाणी ने काम किया है। इस फिल्म का निर्देशक महानिर्देशक शंकर ने किया है।
फिल्म का निर्माण दिल राजू ने किया है। इस फिल्म के लिए एस थमन संगीत तैयार कर रहे हैं। ऐसे में यह गेम चेंज फिल्म बड़े पैमाने पर तैयार हो रही है। माना जा रहा है कि यह फिल्म एक राजनीतिक फिल्म होगी। यह भी खबर है कि गेम चेंज में रामचरण एक IAS अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शंकर ने इस फिल्म का निर्देशन शानदार तरीके से किया है। बताया जाता है कि फिल्म में दिखाए गए केवल 5 गानों को 90 करोड़ की लागत से शूट की गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस गाने को भव्य पैमाने पर फिल्माया गया है। ऐसी खबर है कि संगीतकार थमन ने इतनी बड़ी लागत पर शूट की गई गाने के लिए संगीत तैयार किया है और इस फिल्म के लिए अपने जीवन काल के सर्वश्रेष्ठ धुनी का इस्तेमाल किया है। उम्मीद है कि फिल्म की शूटिंग का अगला चरण जल्द ही शुरू होगा और शूटिंग पूरी होने के बाद फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की जाएगी। गेम चेंज ने दक्षिण भारतीय प्रशासकों के बीच भी उम्मीदें जगा दी है, भले ही शूटिंग अभी पूरी नहीं हुई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम रामचरण की फिल्म गेम चेंज आने वाली है इसके बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम पैन इंडिया मूवी के रूप में बन रही गेम चेंज ने प्रशंसकों के बीच में बड़ी उम्मीदें पैदा की है, लेकिन अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा नहीं हुई है। रामचरण टॉलीवुड के नाम से मशहूर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के अहम अभिनेताओं में से एक है। तमिल में भी उनकी फिल्में जबरदस्त हिट हो रही है। महाथिरा से लेकर हाल ही में रिलीज हुई RR तक रामचरण की फिल्में तमिल में हिट रही है। इसी के चलते अब उनकी भूमिका में रिलीज होने वाली गेम चेंज से न सिर्फ तेलुगु बल्कि दक्षिण भारतीय प्रशंसकों में भी काफी उम्मीदें जग गई है। फिल्म में रामचरण और किराया आडवाणी ने काम किया है। इस फिल्म का निर्देशक महानिदेशक शंकर ने किया है। फिल्म का निर्माण दिल राजू ने किया है। इस फिल्म के लिए एस थमन संगीत तैयार कर रहे हैं। ऐसे में यह गेम चेंज फिल्म बड़े पैमाने पर तैयार हो रही है। माना जा रहा है कि यह फिल्म एक राजनीतिक फिल्म होगी। यह भी खबर है कि गेम चेंज में रामचरण एक IAS अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शंकर ने इस फिल्म का निर्देशन शानदार तरीके से किया है। बताया जाता है कि फिल्म में दिखाए गए केवल 5 गानों को 90 करोड़ की लागत से शूट की गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस गाने को भव्य पैमाने पर फिल्माया गया है। ऐसी खबर है कि संगीतकार थमन ने इतनी बड़ी लागत पर शूट की गई गाने के लिए संगीत तैयार किया है और इस फिल्म के लिए अपने जीवन काल के सर्वश्रेष्ठ धुनी का इस्तेमाल किया है। उम्मीद है कि फिल्म की शूटिंग का अगला चरण जल्द ही शुरू होगा और शूटिंग पूरी होने के बाद फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की जाएगी। गेम चेंज ने दक्षिण भारतीय प्रशासकों के बीच भी उम्मीदें जगा दी है, भले ही शूटिंग अभी पूरी नहीं हुई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम रामचरण की फिल्म गेम चेंज आने वाली है इसके बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम पैन इंडिया मूवी के रूप में बन रही गेम चेंज ने प्रशंसकों के बीच में बड़ी उम्मीदें पैदा की है, लेकिन अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा नहीं हुई है। रामचरण टॉलीवुड के नाम से मशहूर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के अहम अभिनेताओं में से एक है। तमिल में भी उनकी फिल्में जबरदस्त हिट हो रही है। महाथिरा से लेकर हाल ही में रिलीज हुई RR तक रामचरण की फिल्में तमिल में हिट रही है। इसी के चलते अब उनकी भूमिका में रिलीज होने वाली गेम चेंज से न सिर्फ तेलुगु बल्कि दक्षिण भारतीय प्रशंसकों में भी काफी उम्मीदें जग गई है। फिल्म में रामचरण और किराया आडवाणी ने काम किया है। इस फिल्म का निर्देशक महानिदेशक शंकर ने किया है।
फिल्म का निर्माण दिल राजू ने किया है। इस फिल्म के लिए एस थमन संगीत तैयार कर रहे हैं। ऐसे में यह गेम चेंज फिल्म बड़े पैमाने पर तैयार हो रही है। माना जा रहा है कि यह फिल्म एक राजनीतिक फिल्म होगी। यह भी खबर है कि गेम चेंज में रामचरण एक IAS अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शंकर ने इस फिल्म का निर्देशक शानदार तरीके से किया है। बताया जाता है कि फिल्म में दिखाए गए केवल 5 गानों को 90 करोड़ की लागत से शूट की गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस गाने को भव्य पैमाने पर फिल्माया गया है। ऐसी खबर है कि संगीतकार थमन ने इतनी बड़ी लागत पर शूट की गई गाने के लिए संगीत तैयार किया है और इस फिल्म के लिए अपने जीवन काल के सर्वश्रेष्ठ धुनी का इस्तेमाल किया है। उम्मीद है कि फिल्म की शूटिंग का अगला चरण जल्द ही शुरू होगा और शूटिंग पूरी होने के बाद फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की जाएगी। गेम चेंज ने दक्षिण भारतीय प्रशासकों के बीच भी उम्मीदें जगा दी है, भले ही शूटिंग अभी पूरी नहीं हुई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम रामचरण की फिल्म गेम चेंज आने वाली है इसके बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम पैन इंडिया मूवी के रूप में बन रही गेम चेंज ने प्रशंसकों के बीच में बड़ी उम्मीदें पैदा की है, लेकिन अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा नहीं हुई है। रामचरण टॉलीवुड के नाम से मशहूर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के अहम अभिनेताओं में से एक है। तमिल में भी उनकी फिल्में जबरदस्त हिट हो रही है। महाथिरा से लेकर हाल ही में रिलीज हुई RR तक रामचरण की फिल्में तमिल में हिट रही है। इसी के चलते अब उनकी भूमिका में रिलीज होने वाली गेम चेंज से न सिर्फ तेलुगु बल्कि दक्षिण भारतीय प्रशंसकों में भी काफ़ी उम्मीदें जग गई है। फिल्म में रामचरण और किराया आडवाणी ने काम किया है। इस फिल्म का निर्देशक महानिर्देशक शंकर ने किया है। फिल्म का निर्माण दिल राजू ने किया है। इस फिल्म के लिए एस थमन संगीत तैयार कर रहे हैं। ऐसे में यह गेम चेंज फिल्म बड़े पैमाने पर तैयार हो रही है। माना जा रहा है कि यह फिल्म एक राजनीतिक फिल्म होगी। यह भी खबर है कि गेम चेंज में रामचरण एक IAS अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शंकर ने इस फिल्म का निर्देशक शानदार तरीके से किया है। बताया जाता है कि फिल्म में दिखाए गए केवल 5 गानों को 90 करोड़ की लागत से शूट की गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस गाने को भव्य पैमाने पर फिल्माया गया है। ऐसी खबर है कि संगीतकार थमन ने इतनी बड़ी लागत पर शूट की गई गाने के लिए संगीत तैयार किया है और इस फिल्म के लिए अपने जीवन काल के सर्वश्रेष्ठ धुनी का इस्तेमाल किया है। उम्मीद है कि फिल्म की शूटिंग का अगला चरण जल्द ही शुरू होगा और शूटिंग पूरी होने के बाद फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की जाएगी। गेम चेंज ने दक्षिण भारतीय प्रशासकों के बीच भी उम्मीदें जगा दी है, भले ही शूटिंग अभी पूरी नहीं हुई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम रामचरण की फिल्म गेम चेंज आने वाली है इसके बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम पैन इंडिया मूवी के रूप में बन रही गेम चेंज ने प्रशंसकों के बीच में बड़ी उम्मीदें पैदा की है, लेकिन अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा नहीं हुई है। रामचरण टॉलीवुड के नाम से मशहूर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के अहम अभिनेताओं में से एक है। तमिल में भी उनकी फिल्में जबरदस्त हिट हो रही है। महाथिरा से लेकर हाल ही में रिलीज हुई RR तक रामचरण की फिल्में तमिल में हिट रही है। इसी के चलते अब उनकी भूमिका में रिलीज होने वाली गेम चेंज से न सिर्फ तेलुगु बल्कि दक्षिण भारतीय प्रशंसकों में भी काफ़ी उम्मीदें जग गई है। फिल्म में रामचरण और किराया आडवाणी ने काम किया है। इस फिल्म का निर्देशक महानिर्देशक शंकर ने किया है।
फिल्म का निर्माण दिल राजू ने किया है। इस फिल्म के लिए एस थमन संगीत तैयार कर रहे हैं। ऐसे में यह गेम चेंज फिल्म बड़े पैमाने पर तैयार हो रही है। माना जा रहा है कि यह फिल्म एक राजनीतिक फिल्म होगी। यह भी खबर है कि गेम चेंज में रामचरण एक IAS अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शंकर ने इस फिल्म का निर्देशक शानदार तरीके से किया है। बताया जाता है कि फिल्म में दिखाए गए केवल 5 गानों को 90 करोड़ की लागत से शूट की गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस गाने को भव्य पैमाने पर फिल्माया गया है। ऐसी खबर है कि संगीतकार थमन ने इतनी बड़ी लागत पर शूट की गई गाने के लिए संगीत तैयार किया है और इस फिल्म के लिए अपने जीवन काल के सर्वश्रेष्ठ धुनी का इस्तेमाल किया है। उम्मीद है कि फिल्म की शूटिंग का अगला चरण जल्द ही शुरू होगा और शूटिंग पूरी होने के बाद फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की जाएगी। गेम चेंज ने दक्षिण भारतीय प्रशासकों के बीच भी उम्मीदें जगा दी है, भले ही शूटिंग अभी पूरी नहीं हुई है।